ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हम हमारे शो में तंत्र मंत्र और यंत्र पर चर्चा कर रहे हैं और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं मशहूर मंत्रज्ञ निर्मला सेवानी जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, निधि है नागौर से। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। निधि जी, अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल कीजिए। मुझे अपने भैया के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताओ निधि। 5 अप्रैल 1991। ठीक है, सवाल पूछो। उनकी जॉब पे लग रही है। उसकी जॉब में तो अभी भी टाइम है निधि, 1.5 साल है। मुझे लगता है उसकी जॉब लग पाएगी 2018 मार्च में। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वाति जी हैं जयपुर से। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख बताइए फिर अपना सवाल कीजिए। 9 अप्रैल 1989। अपना सवाल कीजिए स्वाति जी। मैं पूछना चाहती हूँ, काफी टाइम से एग्जाम दे दी, मेरा फाइनल क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी चीज करते हैं मुझे पता नहीं। बेटा, पीला फल दान करो थर्सडे को तो क्लियर हो जाएगा अगली दफा। पीला फल पपीता या आम थर्सडे को दान करोगी और पुखराज पीला 9.25 कैरेट इंडेक्स फिंगर में पहनोगी तो क्लियर हो जाएगा। निर्मल जी, ये तो आपने बता दिया अभी ब्रेक से पहले कि मंत्रों के उच्चारण से शक्ति मिलती है, काफी पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी भी व्यक्ति को मंत्रों से आत्म चेतना जागृत करनी हो तो किस तरह कर सकता है, वो जानना चाहेंगे आपसे। जरिया है मंत्र, जैसे साधन प्राप्ति का, आपकी भौतिक साधनों की प्राप्ति का जरिया, वैसे ही दैवीय माध्यम भी है। तो कुछ आध्यात्मिक जागृति के मंत्र होते हैं, उनसे आप जागृत कर सकते हैं, क्योंकि रेपिटेटिव चीज है, तो इस लोक में भी और परलोक में भी एक साधन का काम करता है मंत्र, है ना। तो आप अंतर चेतना जागृत कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय एक अपने आप में बीज मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय स्तुतिमय मंत्र है हालांकि, लेकिन ये अंतर चेतना की जागृति के लिए सबसे सुंदर मंत्र है। चाहे आप उसको रूटा चक्र पे ध्यान करके करें, चाहे अनाहत चक्र पे, चाहे विशुद्ध पे और चाहे आज्ञा पे, जहाँ पे भी करेंगे ये आपको अंतर चेतना की जागृति भी देगा और भौतिक साधन भी देगा। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, नौशीन है कोटा से। नौशीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी, मुझे भाई के बारे में पूछना है शादी के लिए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 1988 का। निशान अली नाम है उनका। ठीक, नौशीन, उनकी शादी आने वाले 10 से 17 महीने के बीच में हो जाएगी। माने सोची 2017 सर्दियों के पहले पहले उनकी शादी हो जाएगी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अजमेर से सविता जी हैं। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती हैं, उनकी जन्म की तारीख बताइए फिर अपना सवाल कीजिए। मैं अपने लड़के के लिए पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। 16/12/81। ठीक है, ठीक है सविता जी, सवाल टाइम है, सुबह सवाल पूछे। उनकी सर्विस के लिए, गवर्नमेंट सर्विस है उसकी, मेरे हिसाब से तो लग जानी चाहिए थी, तो जो उसने इम्तिहान दे रखे होंगे या जो देने जा रहा है, तो आने वाले 6 से 8 महीना में लग जाएगी। निर्मला जी, अभी के लिए चित्रा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं जयपुर से। चित्रा जी, अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1989। जी, सवाल पूछे। ये उसकी शादी वादी कब होगी और कैसा उसका वैवाहिक जीवन? वैवाहिक जीवन मुझे लगता है पत्नी मिला के उसकी शादी करनी चाहिए और नेक्स्ट ईयर उसकी शादी हो जाएगी, और हो सकता है उसके एक आध रिश्ता होके भी टूटे, तो थोड़ा सा हॉरोस्कोप मिला के शादी करिएगा उसकी। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संजय जी हैं कोटा से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहते हैं, उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी, मेरे बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए संजय जी। 25/10/74। ठीक है संजय, अपना सवाल कीजिए संजय जी। मेरा क्या, कोई भी काम 2 साल से 3 साल से बन नहीं पा रहा। मैं एक प्लाट बेचना चाह रहा हूँ, वो भी नहीं बिक पा रहा। और मेरे संजय जी, उसमें दोष है इसलिए नहीं बिक पा रहा है। फ्लैट में वस्तु स्थिति का भी दोष है और वाइब्रेशन का भी दोष है, तो वो थोड़ा मुश्किल से ही बिकेगा। लेकिन अब जो काम का प्रयास कर रहे हैं, तो फरवरी में मुझे लगता है आपको सफलता मिलेगी,
अगला साल जाके कामयाब होंगे। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, बहुत बार बहुत से लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो मंत्र का अगर मान लीजिए गलत उच्चारण हो जाए किसी व्यक्ति से, तो उसका बुरा और या फिर उल्टा प्रभाव भी देखने को मिलता है क्या? नहीं, देखिए प्रभाव तो भाव से होता है, क्योंकि शब्द हालांकि अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है, और जो लोग मंत्रों के बारे में जानते हैं वो तो गलत उच्चारण करेंगे तो सोचे जघन्य अपराध है, क्योंकि वो उसके रिप्रेजेंटेटर है। पर अगर लेमैन बेचारा जिसकी की जबान खंडित है, या कोई लेमैन है जिसको कि नहीं पता, अज्ञानतावश वो कोई गलत उच्चारण कर रहा है, तो भाव अगर उसके सही है तो मैं समझती हूँ कि उसका वही प्रभाव होगा जो सोच के उसने प्रार्थना की वही मिलेगा। मंत्र के गलत उच्चारण से कोई इतना बड़ा अनर्थ नहीं हो जाएगा, टेक्निकली हो सकता है वो गलत हो। जी निर्मला जी, अभी के एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ऐश्वर्या हैं पंजाब से। ऐश्वर्या आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी ऐश्वर्या, अपना सवाल कीजिए। अभी मेरे राजस्थान जन्मदिन 26/1976 76। ठीक है, सवाल 74 माफ कीजिए निर्मला जी, सवाल अपना सवाल कीजिए ऐश्वर्या। हमारा सवाल यही है जी, कारोबार में बड़ी मंदा है जी। पर कारोबार मंदा है काफी, उस बारे में जानना चाहते हैं। वो तो देश की पूरी रिसेशन की स्थिति इसलिए मंदा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि बहुत फाइनेंशियली क्रंच है, लेकिन डिट्योरेट हुआ है उनका 2 साल से कारोबार। अब ये तो जब रिसेशन खत्म होगा तभी उनके ठीक होगा, पर उनके अपने सितारों में कोई ऐसी बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं है। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद हनीफ हैं कोटा से। हनीफ जी अपने जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरी जन्म तिथि 23/8/66 है जी। अपना सवाल कीजिए। सर मेरे क्या है, 2 साल से मैं बेरोजगार बैठा हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, लेकिन मेरी क्या है नौकरी वापस लगने रही है, सरकार मेरे को वापस लगाने रही है, और अब 2 साल से मैं बेरोजगार बैठा हूँ, और मेरी क्या तबीयत भी खराब रहती है अक्सर। नहीं आपको अभी, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि जो सरकार से ये लड़ाई चल रही है टर्मिनेशन, ये 2 साल और लगेंगे। आप 2019 अप्रैल में जाकर के नौकरी पे वापस आ पाएंगे, तो कुछ साइड बिजनेस आप शुरू कर दीजिए, लोहा या केमिकल से रिलेटेड या प्लास्टिक से रिलेटेड, तो कामयाब जाएंगे। निर्मला जी अभी के लिए उदयपुर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, श्रद्धा हैं। श्रद्धा जी आपका बहुत बहुत, शारदा जी हैं माफ कीजिएगा, शारदा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। मैं अपने बेटे के बारे में कुछ जानती हूं जी, उनकी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए शारदा जी। 26/1995 सवाल पूछे शारदा जी। जी मैं जॉब के बारे में पूछना चाहती, मुझे लगता है कि वो जॉब परमानेंट तो नहीं कर पाएगा, 2-1 साल काम करके वापस बिजनेस में आ जाएगा, तो अगर जॉब ढूंढ रहा और नहीं मिल रही है तो उसको बिजनेस पे आ जाना चाहिए बजाय जॉब ढूंढने की। निर्मल जी आपसे जानना चाहूंगा, अंत में बहुत बार देखा जाता है कि लोग अनुष्ठान करते हैं तो सामूहिक मंत्र जाप किया जाता है समप करने के लिए, खत्म करने के लिए अनुष्ठान को, तो वो जो सामूहिक मंत्र जाप किया जाता है उसका क्या महत्व होता है और उससे कितनी पॉजिटिव एनर्जी लोगों में आपस में सेग्रीगेट होती है, उस बारे में जानना चाहूंगा। देखिए जब भी 2 लोग मिलते हैं, गणित में भले ही 1 और 1 2 होते हों, लेकिन जब आपके भाव और 2 व्यक्तित्व होते हैं, 1 और 1 11 होते कहा जाता है ना, और 1 1 1 111 होते हैं, तो जब सामूहिक मंत्र जाप करा जाता है तो वो इन्वायरमेंट शुद्धि के लिए होता है, आपका बाह्य प्रभाव भी उसका सुंदर रहेगा और अंदर भी आप हीलअप होते हैं। तो सामूहिक जाप देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए, और समाज क्या, हम सब एक एक करके, तो अपने भले के लिए हर हाल में किया जाता है, तो सामूहिक जाप से उस मंत्र की पावर लाखों गुना बढ़ जाती है जी। पुराने ऋषि मुनि तो अपने लिए करते ही नहीं थे कुछ, वो तो समाज के लिए किया करते थे ना, तो वो मतलब होता है सामूहिक अनुष्ठान का। जैसे बारिश नहीं आ रही तो तुमने सुना होगा कि यज्ञ किया जा रहा है बारिश के लिए, तो बारिश अब वो बेचारे अपने लिए तो नहीं मांग रहे, समाज के लिए मांग रहे, लेकिन उसका हिस्सा हम ही है ना, तो हम उससे पोषित होते हैं, तो उसका वो द्विगुणित हो जाता है। सोचिए सामूहिक जाप इतनी सुंदर चीज होता है जी। तो दर्शकों उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। निर्मला जी आपके हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, मंत्र तंत्र और यंत्र से संबंधित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दर्शकों आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।